हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करने वाले हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब से पहले की वीडियोस में आपने पढ़ लिया पूरी तरह से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। तो न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक क्या है और सारी चीज़ें आपने पढ़ ली ऑलमोस्ट, ठीक है। आज हम शुरू करने वाले हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आज का टॉपिक क्या है, चैप्टर नंबर 5 का, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक। पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 6, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पहला पॉइंट, ठीक है। अच्छा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पहले, तो न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन का मतलब सबसे पहले हमने पढ़ा था लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म या तो अपना खाना खुद बनाता है या किसी और सोर्स से लेता है। द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड और गेट देयर फूड फ्रॉम अनदर सोर्स। जिस तरीके से वो अपना खाना खुद का बनाता है तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशन और ऑर्गेनिज्म का नाम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। अगर वो किसी और सोर्स से खाना ले रहा है तो ऑर्गेनिज्म जो तरीका यूज़ करेगा डेट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और ऑर्गेनिज्म हो जाएगा हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम अनदर सोर्स दैट प्रोसेस इज नोन एज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। क्लियर। अब हम पढ़ रहे हैं हेटरोट्रॉफिक तरीका। देखो, हमको मेनली तो पढ़ना है ह्यूमंस के बारे में यार, लेकिन आज की जो वीडियो फोकस करती है वो हेटरोट्रॉफिक का न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन, साथ साथ में अमीबा के बारे में बात करेंगे, फिर जाके हम मल्टीसेलुलर के बारे में आएंगे। मल्टीसेलुलर का मतलब ह्यूमंस, ठीक है। तो पहले हमको बाकी ऑर्गेनिज्म के बारे में पता नहीं चला, अभी तो हम ह्यूमंस पे जाएंगे और फिर जब ह्यूमन स्टार्ट होगा वो पूरा ह्यूमन चलता रहेगा फिर इस चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब समझ आ गया कि ऐसा ऑर्गेनिज्म दूसरी जगह से अपने खाने का जुगाड़ करता है, ठीक है, कहीं और से अपना खाना लेता है। दूसरा पॉइंट, इसका सबसे पहला स्टेप क्या, मतलब सबसे पहली वैरायटी क्या है, टाइप क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो है पैरासिटिज्म या पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं यार, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों की बॉडी पे रहते हैं और उनकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेते हैं आर नॉन एज पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, और वो जो तरीका यूज़ करते हैं डेट इज़ कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। क्लियर है बात। कहने का मतलब ये कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहता है और उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन सक आउट करता है, उसको मारता नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमारे सर पे जू जो रहती है, हमारे सर पे जू रहती है वो क्या करती है भाई, वो हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन लेती रहती है, लेकिन हमें मारती है क्या, नहीं, हम मर जाएंगे तो उसका न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको क्या बोला जाता है, पैरासिटिज्म बोला जाता है। और वो ऑर्गेनिज्म क्या है हमारे लिए, पैरासाइट, और हम उसके लिए क्या है, होस्ट। क्लियर। तो जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरी बॉडी पर रहता है और उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है तो जो न्यूट्रिशन ले रहा है वो हो गया पैरासाइट, और जिसकी बॉडी से वो ले रहा है वो बंदा उसके लिए क्या हो गया, होस्ट। क्लियर। तो एक ऐसा तरीका जिसमें एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे बॉडी की, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से न्यूट्रिशन सक आउट करता है। अब सक आउट न्यूट्रिशन क्या बोल रहे हैं, तो देखो यार, तुम बोलोगे कि यार भैया लीच वगैरह जो भी है, ठीक है, जो जोक चलती रहती है ना चिपचिपी सी, तो वो लीच हो गई, तो ये सब क्या है, पैरासाइट में आते हैं। तो आप न्यूट्रिशन क्यों बोलो, सीधा ब्लड बोल दो क्योंकि हमारी बॉडी से तो ब्लड ही मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं तो इसीलिए न्यूट्रिशन बोला जाता है, और वो न्यूट्रिशन खाते नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, तो सक आउट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म तो दूसरों की बॉडी से न्यूट्रिशन सक आउट करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है, पैरासाइट्स बोला जाता है, ठीक है। प्लांट का एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ, ह्यूमन एनिमल में तो समझ ही जाओगे। मान लो फॉर एग्जांपल एक प्लांट है, ठीक है, इसके पास मान लो फॉर एग्जांपल एक ब्रांच है, ठीक है, ये अपने खाने पानी का जुगाड़ कर रहा है बहुत मुश्किल से, तुमने पढ़ा होगा जाइलम और फ्लोएम। तो मान लो फॉर एग्जांपल जाइलम से पानी वानी लेकर आया नीचे से, ठीक है, फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट कर रहा है वगैरह, यहाँ पर एक प्लांट ग्रो कर गया और उसने अपने जो है रूट्स यहाँ पर डाल दिए। अब वो नीचे से बड़ा जो प्लांट है वो इतनी मेहनत से नीचे से न्यूट्रिएंट लेकर आ रहा है, ऊपर से टाका मार के निकाल लेता है, ठीक है, तो है ना पैरासाइट। तो यहाँ पे इस ब्लड तो नहीं है, न्यूट्रिशन है, तो इसलिए न्यूट्रिशन वर्ड यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा दोस्तों, लीच, लीस, ठीक है, कई जगह पे मॉस्किटो भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए ऑर्गेनिज्म, ये हो गए पैरासाइट्स। दूसरी कैटेगरी ऑफ हेटरोट्रॉफिज्म है सेप्रोफाइट्स या फिर सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट या सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सड़ी गली जगहों से न्यूट्रिशन इकट्ठा करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड एंड डिकेड मैटर, या तो कोई सड़ी हुई चीज़ है या कोई चीज़ मर गई है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे सड़ने लग जाएगी, तो उसकी बॉडी पे जो फीड करता है वो कौन है, वो सेप्रोफाइट्स कहलाते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन डेड एंड डिकेड मैटर आर नॉन एज सेप्रोफाइट्स। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डिकेड मैटर पर फीड करते हैं उनको बोला जाता है सेप्रोफाइट्स बोला जाता है। ज़्यादातर फंजाई होते हैं ये, ठीक है, कौन होते हैं, ज़्यादातर फंजाई होते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है मशरूम, ठीक है। तो मशरूम ऐसी ही जगह पर ग्रो करता है,
क्लियर है बात। मशरूम क्या करता है, ऐसी ही जगह पर ग्रो करता है। तुम बोलोगे कि यार मशरूम तो भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, तो हम तो खाते भी हैं इसको, तो बिल्कुल खाते हैं। तो यार आप मशरूम जैसे मर्जी खाते हो, पहली बात तो कई सारे ऐसे होते हैं वेराइटी जो आप नहीं खा सकते, जो हमारे कंज्यूमेबल्स होते हैं वो आर्टिफिशियली ग्रो कराए जाते हैं, लेकिन वो भी ऐसे ही कंडीशंस ऑपरेट की जाती है। अब डेड एंड डिकेड तो नहीं होगा वो, लेकिन हाँ डिकेड कह सकते हो आप, डेड तो नहीं होगा लेकिन डिकेड जगह पर ही वो ग्रो कराया जा सकता है। फंजाई बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, ठीक है, फंजाई कह रहा हूँ, डेट इज़ मशरूम बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, वो बात अलग है, लेकिन वो उगाया ऐसे ही जाता है, ठीक है। तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, अब आप यही एनसीईआरटी में दो दे रखे हैं, लेकिन तुम बोलोगे यार ह्यूमन तो आया ही नहीं, तो ह्यूमन के लिए कैटेगरी दे नहीं रखी, आपको अलग से याद करनी है, डेट इज़ कॉल्ड होलोजॉइक न्यूट्रिशन, ठीक है। उसका नाम क्या है, होलोजॉइक न्यूट्रिशन, HOLOZOIC। होलोजॉइक न्यूट्रिशन का मतलब बेसिकली होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म खाने को खाता है, निगल लेता है, उसके बाद डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो हम ऐसे ही करते हैं, पहले खाते फिर डाइजेस्ट करते हैं, तो हम होलोजॉइक ऑर्गेनिज्म में आते हैं, क्लियर। लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं है यार, हमारा मुद्दा है कि भैया ये तो चलो समझ में आ गया हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि ह्यूमंस खाना कैसे खाते हैं, लेकिन यार ह्यूमंस तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना, तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या होता है, इस सुनना जरा ध्यान से, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या होता है यार, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ बहुत सारे मैकेनिज्म चलते हैं, ठीक है, और उनकी हर सेल के साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी अगर हर एक सेल नॉर्मल तरीके से काम करेगा, तो इसीलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होते हैं, बहुत सारे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन और टिश्यूज़ होते हैं, क्लियर, क्योंकि पास सेल ही इतने, तो वो इतने सारे ऑर्गन और टिश्यू बना सकते हैं, जिससे क्या होता है कि जो उनके बॉडी में काम चल रहा है वो बहुत ज़्यादा एडवांस और अच्छे लेवल पे चलता है। तो मल्टीसेलुलर में कैसे चलता है हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम बात करेंगे किसकी, यूनिसेलुलर की, ठीक है। तो यूनिसेलुलर में हम किसकी बात करेंगे दोस्तों, अमीबा की बात करेंगे, ठीक है, केवीज और आजकल टीचर्स का बहुत फेवरेट टॉपिक रहते हैं ये वाले, ठीक है। तो याद रखना, हाउ डज अ यूनिसेलुलर गेट देयर फूड, ठीक है। तो टॉपिक क्या है, हाउ डज अ यूनिसेलुलर गेट देयर फूड, यूनिसेलुलर लाइक हम किस पे बात करने वाले, मान लो अमीबा के ऊपर, तो हाउ डज अ यूनिसेलुलर लाइक अमीबा गेट देयर फूड, क्लियर। तो सुनो, देखो अमीबा क्या है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर का मतलब होता है देखो उसकी बॉडी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है, ठीक है। अब ये सेल है मतलब इसकी बॉडी, तो इसके पास न्यूक्लियस भी होगा, तो इसका न्यूक्लियस ये रहा, क्लियर। तो अभी मान लो ऐसा दिखाई देता है, ठीक है। अब मान लो इसको जो फूड प्रोडक्ट दिखाई दिया वो यहाँ पर दिखाई दिया, ये रहा फूड प्रोडक्ट, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब सुनना जरा ध्यान से यार, जैसे ही अमीबा को एक फूड पार्टिकल दिखाई देने लग जाता है, तो ये क्या करेगा, इसको तरफ मूव करना चालू करेगा। तो हमारी बॉडी मल्टीसेलुलर के साथ यही दिक्कत है कि अगर, क्योंकि जिस तरीके से ये यूज़ कर रहा है वो बहुत स्लो प्रोसेस है, हमारी बॉडी ऐसा फ्लो करेगी, दिक्कत यूज़ करेगी तो पता नहीं कितने सालों में खाना पहुंचेगा, एक से दूसरे सेल, दूसरे तीसरे सेल, ऐसे करोड़ों सेल है, यहाँ पे तो एक ही सेल है, ये डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में होता है, एक्सक्रीशन करना है, डाइजेशन करना है, एब्जॉर्प्शन कुछ भी करना है, सब कुछ डायरेक्ट एनवायरनमेंट के साथ कर सकता है ये, ठीक। अब ये इसको खाने के लिए, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या यूज़ करेगा, एक तरीका यूज़ करेगा जिसको कहते हैं फूड वैक्यूल बनाना। पहली बात तो वैक्यूल का मतलब क्या होता है, वैक्यूल का मतलब होता है खाली जगह। तो ये अपने खाने के लिए ना इस जो फूड पार्टिकल के चारों तरफ एक खाली जगह बनाएगा और फिर इसको एब्जॉर्ब करेगा, कैसे करेगा मैं बताऊँगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फूड वैक्यूल बोला जाता है, क्लियर। तो अब तुम इसको चार स्टेप में समझाओ, पांच स्टेप में समझाओ, वो सिंपल तुम्हारी मर्जी है, मैं यहाँ पे बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है। तो सुनना, ये रहा फूड पार्टिकल, तो इसके चारों तरफ क्या करता है, इस तरीके से एक लेयर बनाना चालू करता है, और ये रहा इसका न्यूक्लियस, कोई दिक्कत, सिंपल है, ठीक है। फिर ये और ज़्यादा एडवांस होगा, और तगड़ा क्या नाम है ये बनाएगा, क्या नाम है, फूड वैक्यूल बनाएगा। तो ये रहा एरिया, इसके चारों तरफ क्या बनाएगा, ये फूड वैक्यूल बनाएगा, ये रहा इसका न्यूक्लियस, और फाइनली इसको पूरी तरह से क्या कर लेगा, ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ये आ गया, क्लियर, समझ में आ गया। तुमने एक वर्ड सुना होगा इसके लिए यार, कि स्यूडोपोडिया बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ किया जाता है इसके लिए। तो स्यूडोपोडिया का अगर संधि विच्छेद किया जाए, तो स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया मतलब लैग, तो फॉल्स फीट, तो ऐसा लगता है ये मूव कर रहा है फीट की वजह से, लेकिन उसके साथ फीट है नहीं, ठीक है। तो क्या डेवलपमेंट है वो बात की बात है। तो सुनो, तो इस तरीके से अमीबा अपना खाना खाता है, लेकिन यार एक चीज़ सोचो, इसने अपने खाने को सीधा अंदर निगल लिया, ठीक है, किसी लेयर का आर, किसी लेयर के आर पार हो जाना, अगर कोई ऐसा एयर पार्टिकल करता है किसी एक लेयर के आर पार हो जाता है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं, 9th क्लास में पढ़ा था, डिफ्यूजन। अगर यही काम पानी करता है, एक लेयर से दूसरी तरफ चले जाना, तो उसको क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस, क्लियर। ये भी एक तरीके का डिफ्यूजन प्रोसेस ही है, तो अगर आप यहाँ पर डिफ्यूजन लिख दोगे बिल्कुल सही है, क्लियर। लेकिन आजकल थोड़ा एडवांस टर्म चलने लग गया है, डेट इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। प्रोसेस का नाम क्या बोला जाता है, एंडोसाइटोसिस, ठीक है।
तो एंडोसाइटोसिस फूड तरीके से ये खाना एब्जॉर्ब करता है। एंडोसाइटोसिस मतलब बेसिकली होता है निगलना, तो यही कर रहा है ये। क्लियर है बात? ठीक है, तो इस तरीके से एक यूनिसेलुलर लाइक अमीबा अपना खाना खाता है, तो जहां पे उसको खाना देखता है उधर की तरफ वो वैक्यूम बनाता है, उधर से खाना एब्जॉर्ब करना चालू करता है। एक इंपॉर्टेंट बात, मान लो एक फूड पार्टिकल यहां पर ना होता, ठीक है, और ये यहां पर होता, तो अमीबा क्या करता, उधर की तरफ मूव कर जाता। अभी इधर की तरफ है तो इधर की तरफ मूव कर गया, ठीक है, तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि इधर ही जाएगा। क्लियर है बात? चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि यार चलो भैया अमीबा तो समझ में आ गया, लेकिन एक और एग्जांपल है यार, दैट इज पैरामीशियम। क्या एग्जांपल है? पैरामीशियम। ठीक, पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर है, ठीक है, लेकिन वो ऐसे खाना नहीं खाता। ऐसे का मतलब ऐसे तो खाएगा, फूड वैक्यूल तो बनाएगा, लेकिन पैरामीशियम के साथ क्या दिक्कत है पता है? ठीक है, वो भी एक यूनिसेलुलर है, लेकिन अगर मान लो फूड पार्टिकल यहाँ पर, उसका माउथ यहाँ पर है, तो यहीं से खाना खाएगा। माउथ, इसका मतलब ये कि जैसे हम ह्यूमंस है ना, हम एक स्पेसिफिक माउथ लोकेशन से खाना खा सकते हैं, वैसे ही यूनिसेलुलर में पैरामीशियम है। अमीबा के साथ ऐसा कुछ नहीं था, अमीबा को जहाँ चोजी दिख जाती थी वहाँ के भीतर मूव करता था, और एंडोसाइटोसिस की मदद से उसको निकल लेता था। ये भी एंडोसाइटोसिस मदद ही यूज करेगा, ये भी फूड सब कुछ सेम है, लेकिन इसका फिक्स स्पॉट है खाना एब्जॉर्ब करने का। ठीक है, तो वो है इसका माउथ की तरह एक एक्ट करने वाला ऑर्गन, ऑर्गन तो नहीं मतलब पार्ट। क्लियर है बात? तो अब हुआ ये कि अब तुम बोलोगे कि ये सामने ही तो है खाने, तो फूड वैक्यूम बना के खा लेगा, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर खाना यहाँ होता, ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा घूमना पड़ेगा। और अगर कोई यूनिसेलुलर अपनी टॉप स्पीड पे भी चलेगा ना यार, तो 2 घंटे में 1 सेंटीमीटर कवर कर पाएगा। सोचो कितना कम है कि नहीं? तब तक तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो इसीलिए पैरामीशियम अब ये तरीका यूज़ नहीं कर सकता था, इसीलिए इसको क्या दिए गए, 2 फ्लैजेला दिए गए। चलो इसी से बनाते हैं। क्या दिए गए? 2 फ्लैजेला। ये फ्लैजेला क्या होते हैं कि खाना, तो सुनना जरा ध्यान से, ये ऐसे है। तो फ्लैजेला क्या करते हैं, जैसे इनको आसपास खाना दिखाई देता है, ठीक है, तो फ्लैजेला इस मदद से क्या करता है, खाने को अपने माउथ के पास लेकर आ जाता है ना। बढ़िया तरीका है कि नहीं? आपके पीछे कोई चीज़ रखी हो तो हाथ मार के तो उठाओगे, है ना? आप बहुत अलग ही इंसान हो, तब पूरा घूमोगे तब उसको उठाओगे, तभी हो सकता है ऐसा, तो वरना तो ऐसे ही करोगे। ये भी ऐसे ही करता है ना। तो इसको पता लगा कि भाई हमारे पास फ्लैजेला इसका यूज़ करते हैं, तो ये खाना अगर इधर उधर होता है तो उधर से इकट्ठा करके कलेक्ट करके लेकर आते हैं, ठीक है, तो ये मदद करता है। तो फ्लैजेला, और एक और टर्म बता देता हूँ मैं तुम्हें, फ्लैजेला आ गया है तो इसी के साथ एक और टर्म है, डेट इज़ कॉल्ड सीलिया। ठीक है, याद रखना, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, तो उसमें छोटे छोटे ऐसे हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो निकले रहते हैं, इसको सीलिया कहते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो नॉर्मली देखा गया है कि फ्लैजेला जो होते हैं 2 होते हैं और बड़े होते हैं, सीलिया कम होते हैं, सॉरी मतलब सीलिया ज़्यादा होते हैं लेकिन छोटे होते हैं। तो फ्लैजेला 2 होते हैं लेकिन बड़े होते हैं, सीलिया ज़्यादा होते हैं लेकिन छोटे होते हैं। बताओ, क्लियर है बात? ठीक है, ये था एक यूनिसेलुलर जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम खाना कैसे खाते हैं। ठीक है, अब इससे अगली वीडियो के अंदर बिल्कुल डिटेल तुम्हें मिलेगा ह्यूमन डाइजेशन, बिल्कुल कहानी की तरह याद कराऊंगा मैं, याद कराने में जिम्मेदारी, वीडियो देखते याद हो जाएगा। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेशन कैसे होता है वो अगला टॉपिक है। ठीक है, तो अगर किसी को कुछ पूछना है, ठीक है, तो कमेंट में डालो, हम उसका रिप्लाई करेंगे, मिलेंगे। ठीक है, बाकी ये बहुत ईजी टॉपिक था, लेकिन ये प्री बोर्ड्स में और केवीज वगैरह के स्कूल्स में बहुत आता है यार। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? तो इसलिए प्लीज़ इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, और यूनिसेलुलर इस तरीके से खाना खाते हैं, और प्रोसेस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज़ कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, ये पार्ट ऑफ डिफ्यूजन ही है। ठीक है, ख़त्म। ठीक है, अब ह्यूमन डाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिस नहीं करना है। बाय बाय, मिलते हैं।